हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है वीक फोर की एक्सरसाइजेस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो इस चैनल पे नए हैं, मेरा नाम मोनिश पारखी है और मैं L4 L5 डिस्क एक्सट्रूजन को हील किया है और मैं वो पाथ शेयर कर रहा हूँ अपना इन यूट्यूब ब्लॉग्स के थ्रू जो मैंने लिए थे, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिला और जिससे मैं फिज़िकली फ़िट हो पाया। तो अभी तक हम वीक वन, वीक टू और वीक थ्री एक्सरसाइजेस शेयर कर चुके हैं इस रिहैब प्लान की, और वीक फोर की जो एक्सरसाइजेज हैं मैं उन पर उनको शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर किसी को ये इशू है, ताकि उसको भी इस चैनल से बेनिफिट मिल सके और एक होप मिले, ठीक है, विदाउट सर्जरी के कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से आते हैं वीक फोर की एक्सरसाइजेज में। तो आप हम बात करेंगे वीक फोर की एक्सरसाइजेज की, ठीक है गाइज। तो वीक फोर की एक्सरसाइजेज में हमारी जो एक्सरसाइजेज का जो प्लान होगा, अगेन अगर हम जो एक्सरसाइज का जो प्लान होगा हमारा, वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, दो पार्ट में हमारा डिवाइड होगा, मसल्स, दूसरा मोबिलिटी। मोबिलिटी की चार एक्सरसाइजेज हैं और मसल बिल्डिंग्स की मैं आपके साथ प्रॉपर शीट शेयर करूँगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है आपको, मसल की शीट शेयर करूँगा, मोबिलिटी की टोटल चार एक्सरसाइजेज हैं। करनी कैसे हैं पहले आप वो सुन लीजिए, ठीक है। सपोज़ करिए हफ्ते में आपके 7 दिन हैं, तो सपोज़ क्या करना है, 7 ही दिन होते हैं हफ्ते में, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो अगर आप इसको, मैं करूँगा MB से रिप्रेजेंट और इसको करूँगा मैं MO से रिप्रेजेंट, MB और MO, ठीक है। तो मंडे को अगर आप करते हो मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज, ठीक है, दिन में एक बार, तो आप ट्यूसडे को करोगे मोबिलिटी की एक्सरसाइज दिन में दो बार, एक सुबह दूसरी शाम को। फिर अगले दिन करेंगे आप मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज दिन में एक बार, फिर मोबिलिटी की एक्सरसाइज दिन में दो बार, फिर मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज दिन में एक बार, और फिर इन दोनों दिन मोबिलिटी एक्सरसाइज दो दो बार। तो ये आपका पूरा शेड्यूल रहने वाला है नेक्स्ट वीक का, ठीक है गाइस। अब फटाफट से एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज हमारी कौन कौन सी हैं। तो ये आ गई हमारी वीक फोर की एक्सरसाइजेस। तो ये है मंडे की एक्सरसाइज, ठीक है, मंडे को करनी है आपको। कौन कौन सी एक्सरसाइज है, पहले है बॉक्स स्क्वाट, हिप थ्रस्ट बॉडी वेट, काफ रेस, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नव ग्लाइड, डेड बग। और ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे करनी है और समझा चुका हूँ कि कितनी बार करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी एक बार और समझा देता हूँ। जैसे बॉक्स स्क्वाट है हमारी, 3 सेट होंगे, 8 रेपिटेशंस होंगे। मतलब अगर आप करने बैठते हैं तो पहली बार जब आपने बॉक्स स्क्वाट की, उसमें 8 बार आपको ये करनी है, 8 बार ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है, ठीक है। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार करनी है, फिर तीसरी बार करनी है। तो इस तरीके से 3 सेट कवर हो जाएंगे और 8 रैप्स हो जाएंगे, ठीक है गाइस। हिप थ्रस्ट के वही 3 सेट 8 रैप, काफ रेज 3 सेट 8 रैप, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन 3 सेट 8 रैप, नव ग्लाइड 3 सेट 5 रैप। नव ग्लाइड मैं बता चुका हूँ, यह आपकी नव फ्लॉस में काम आती है, बेसिकली नव ग्लाइड जो आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी जो नसवी दबी हुई नस है उसको एक्सटेंड करती है, खींचाव आएगा आपकी नस पर और आपको लगेगा कि आपकी जो नस है उस पर एक खिंचाव आ रहा है, वो हो सकता है इससे आपको पेन भी हो, ये पेनफुल एक्सरसाइज है,
शुरुआत में, जब तक कि आप पे वो नस का जो नस पे जो प्रेशर है वो ख़त्म नहीं होता। अब आप बात करते हैं, अब आपने इन एक्सरसाइजेस का मंडे को देख लिया, ये दिन में सिर्फ एक बार करनी है, ठीक है। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं यूज़ करना, बॉडी वेट जो भी आपका बॉडी वेट है, से 75 से आपका 75-85 जो भी आपका बॉडी वेट है, केवल वही बॉडी वेट को यूज़ करके एक्सरसाइज करनी है, कोई एक्सटर्नल वेट नहीं उठाना, ठीक है। अब फोकस किस पर करना है, अब बॉक्स स्क्वाड जो एक्सरसाइज होगी उस पर फोकस करना है आपको, ब्रीदिंग पर और बैक पर रिलैक्सिंग पर। मतलब बॉक्स स्क्वाड करने जब जाएंगे तब आपको ब्रीद करना है, और जब आप किसी चेयर पर बैठेंगे तो आपकी मसल को बैक को रिलैक्स करना है, मतलब आराम से बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिप थ्रस्ट में ग्लूट्स की मसल, मतलब हिप्स की जो मसल्स होती हैं उस पर फोकस करना है। काफ रेज में नीज आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे आपकी सपोज़ करिए आप ऐसे खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, तो अगर आपकी नीज बैंड हुई, ये नहीं करना आपको, आपको स्ट्रेट रहना है काफ रेज में। इससे क्या होगा, आपकी काफ की मसल पे इम्पैक्ट होगा। तो मैं ये देख रहा हूँ ये अपने कमेंट्स में, किसी की मसल लॉस हो रही है काफ की या लेग्स की, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है काफ रेज आपकी मसल लॉस होने से बचाएगी, ठीक है। अब नर्व ग्लाइड हम लोगों ने देख चुके हैं, नर्व ग्लाइड मैं बता चुका हूँ, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन आपके रीढ़ की हड्डी के जो जो थोड़ी सी दब गई है या किसक गई है रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी को वापस से खोलेगी और फिर बंद करेगी, खोलेगी और फिर बंद करेगी। इससे उस जगह की पर्टिकुलर मसल मूव होगी और जो आपकी डिस्क बाहर आई है वो रीअब्जॉर्ब होने का प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और डैड बग आपके क्या करेगा, पूरी की पूरी एक कोर मसल पर फोकस करती है ये एक्सरसाइज, और इससे आपकी कोर मसल भी स्ट्रांग होगी, और जो आपकी बैक की मसल्स हैं, वर्टिब्राज हैं, उन वर्टिब्राज को भी ये उसके उन वर्टिब्राज के आसपास की जो मसल्स हैं उनको भी सपोर्ट करेगी, ठीक है गाइस। तो ये हो गई आपकी मंडे का रूटीन। अब बात कर लेते हैं आपका नीचे के रूटीन का, कि अगर आपको ये मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है आपको, तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। अगेन बॉक्स स्क्वाट मैं बता चुका हूँ, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन मैं बता चुका हूँ, हिप थ्रस्ट बॉडी वेट मैं बता चुका हूँ, नर्व ग्लाइड बता चुका हूँ, बर्फ डॉग भी मैं बता चुका हूँ। कितने कितने सेट करने हैं, बॉक्स स्क्वाट के करने हैं 3 सेट 8 रैप। पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक, ये एक्सरसाइज मैंने अभी आपको नहीं बताई है, तो आप इसको अभी यहाँ पर छोड़ देना, मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊँगा कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है, ठीक है। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ 3 रैप्स 3 सेट 8 रैप। हिप थ्रस्ट बॉडी वेट बता चुका हूँ 3 सेट 8 रैप। नर्व ग्लाइड 3 सेट 5 रैप। बर्ड डॉग 3 सेट 8 रैप, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं आपकी लास्ट वाले डे की रूटीन की, जो आप करेंगे अल्टरनेटिवली पे, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बॉक्स स्क्वाट, हिप थ्रस्ट, काफ रेज, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नर्व ग्लाइड और डेड बग, ठीक है गाइस। ये हो गई आपकी 3 मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज जो आपको करनी ही करनी है, ठीक है, और अल्टरनेटिवली करनी है और दिन में एक बार करनी है। इसके साथ साथ आप डाइट पे भी आई होप ध्यान दे रहे होंगे रिकवर होने के लिए। प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में आपके बॉडी वेट के 2x जाना चाहिए, मतलब 2 गुना जाना चाहिए, मतलब अगर आपका वेट 80 किलो है, 80 kg है, तो आपके जो प्रोटीन कंजम्पशन होगा वो 160 ग्राम होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस की, तो भाई 4 एक्सरसाइज हैं मोबिलिटी की, 5 यहाँ पर आएंगी। फिंगर 4 स्ट्रेच मैं बता चुका हूँ, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच मैं बता चुका हूँ, वॉल एंगल भी बता दिया, हिप ड्रॉप भी बता दिया, हिप 90-90 भी बता दिया। अगर कोई एक्सरसाइज आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरी प्रीवियस वीडियो में जाना है, या शॉर्ट्स में जाना है। मैं यहाँ एक्सरसाइज कैसे करनी है मैं वो बता रहा हूँ, और वहाँ से आपको ये एक्सरसाइजेस दिख जाएंगी, ठीक है। ये तो प्रीवियस वीडियो में समझा रखी हैं, या मैंने शॉर्ट्स में बता रखी हैं। अगर मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं बताई है कि कैसे करनी है, तो उसका एक रीज़न है, ठीक है, उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।
तो ये है आपकी वीक 4 एक्सरसाइजेस, ठीक है, ताकि आप जल्दी से रिकवर हो सकें। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशनल व्लॉग हो। मैंने वीक 4 की एक्सरसाइज आपको बता दी है, एंड अगर आप इस व्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर नई अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिले। और हैप्पी रिकवरी गाइज, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड पाउंडिंग मी विद सच अ ह्यूज डाउट्स, एंड आई एम हेयर हैप्पी टू हेल्प यू, each and every guy. Happy recovery, guys.